हेलो फ्रेंड्स, फैशनेबल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुलेखा, आज मैं आपको ये स्मॉल रोज बनाना बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना है। और बनाने के बाद इसे आप चाहे तो किसी भी थालपोश में, जैसे देख लीजिए कि ये मेरा प्लेन थालपोश है, इसके ऊपर मैं इसे स्टिच करूंगी बनाकर। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें धागे में नोट लगाना है और हमें यहाँ पर 5 चैन लेना है फ्रेंड्स। 1, 2, 3, 4, ये 5, ये हमने 5 चैन लिया। फिर जो हमारा ये पहला चैन है, यहाँ पर हमें इसे इस तरह ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद फिर हमें लूप को बड़ा करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है 5 टाइम। 1, 2, 3, 4, ये हमारा 5, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया फ्रेंड्स। फिर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया में बनाना है सिंगल, हमने यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लिया। फिर हमें लूप को थोड़ा बड़ा करना है। फिर हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2 क्रोशिया, थोड़ा हमारा ये जो हमारा धागा है छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा हो जाएगा। 3, 4, ये हमारा 5। फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें यहाँ पे लूप को बड़ा करके फिर हमें उसी तरह करना है। 1, 2, 3, 4, 5। फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है। 1, 2, 3, ये हमने 3 चैन लिया फ्रेंड्स। फिर जो हमने ये पेटल बनाया है इसके पीछे, ये देखिए इसके पीछे हमें यहाँ पे इसे, ये देखिए इसे हमें इसके पीछे इस तरह, ये देखिए इस तरह हम इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इस तरह ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट हो गया। इसके बाद फिर हमें 3 चैन लेना है। 1, 2, 3। फिर हमें इसके बगल वाले, जो ये हमारा बगल वाला है, इसमें फिर हमें लेना है इसके बीच में। ये देखिए यहाँ भी हमें इस तरह सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमें 3 चैन लेना है। 1, 2, 3, 4। फिर इसके बगल वाले में फिर 1, 2, 3। फिर जो हमारा ये पहला वाला है, ये देखिए पहला वाला, इसे में जाके हमें इसे इस तरह ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह हमारा ये बना है। ये मैं रोज बना रही हूँ। फिर जो हमारा पीछे वाला है, फिर हमें लूप को थोड़ा बड़ा करना है। फिर जो हमने ये 3 चैन लिया था फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो हमने 3 चैन लिया था, अब इसके अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, ये 5। उसके बाद फिर जो हमारे ये बगल वाला चैन है, ये देखिए इसमें हमें जाके इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमें लूप को बड़ा करना है। फिर हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, ये 5। फिर इसके बगल वाले चैन में हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाया। फिर इसके बगल में हमने इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, 2, 3, 4, ये हमारा 5। उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पे है, वहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, उसके बाद फिर हमें फिर 3 चैन लेना है। 1, 2, 3। फिर हमें इसके पीछे
बीच वाले को यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, ज्वाइन कर लिया। फिर हमें यहाँ पे तीन चैन लेना है, एक दो तीन। ये जो हमारा है बीच का गैपिंग, यहाँ पे हमें एक बनाना है। फिर हमें तीन चैन लेना है, फिर उसी पैटल में, देखिए उसी पैटल में हमने ये दोबारा उसके थोड़े से दूरी पे हमने फिर यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिया है, ये देखिए। फिर हमें तीन चैन लेना है, एक दो तीन। फिर दूसरे पैटल में हमें आना है, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट कर लिया, फिर तीन चैन, एक दो तीन। उसी पैटल में हमें फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है, फिर तीन चैन, एक दो तीन। फिर उसके बगल में फिर हमें तीन चैन लेना है, एक दो तीन। फिर उसी पैटल में हमें ज्वाइंट करना है, फिर हमें तीन चैन लेना है, एक दो। जहाँ हमारा पहला था वहाँ पे हमें इसे जाके ज्वाइंट कर लेना है। फिर हमें लूप को बड़ा करना है, फिर जितने भी हमने चैन्स बनाए थे सब में हमें पांच पांच डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पांच, और बगल वाले चैन में से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है। इसी तरह करके हमें पूरी लाइन को कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लावर बनके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेना है, इस तरह। ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें यहाँ पर एक चैन लेना है। एक चैन लेने के बाद फिर हम इस धागे को कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागे को कट कर लिया है। कट करने के बाद ये फ्लावर बिल्कुल ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें ये नीडल चाहिए। नीडल में हमें उसी कलर का धागा पिरोना है, और जिस थालपोस में हमें लगाना है उसके मिडल में हम इसे रखेंगे फ्रेंड्स, इस तरह। और पीछे से हम इसे सुई की सहायता से हम इसे इस तरह सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इसे दो दो धागा लेकर इस तरह हम इसे जिस कलर का हमारा रहेगा उसी कलर का हमें इसे सिलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद बिल्कुल ये ऐसा लगेगा। लगाने के बाद ये थालपोस की खूबसूरती बढ़ाता है फ्रेंड्स। मैंने जो आपको टिकिया बताया था, राउंड टिकिया, उसमें भी आप छोटे छोटे फ्लावर बना के उसमें आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।